हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड्स ऑफ टेक्नो में। स्टूडेंट, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं इग्नू के 5 न्यू नोटिफिकेशन के बारे में। आज की वीडियो में सभी अपडेट्स पर बात करेंगे, साथ ही हम बात करेंगे जून 2021 के टर्मेंट एग्जाम के रिजल्ट के बारे में, असाइनमेंट मार्क्स के बारे में और दिसंबर 2021 के असाइनमेंट प्रोसेस के बारे में, बिकॉज बहुत सारे रीजनल सेंटर ने आपकी गाइडलाइंस रिलीज़ की हैं। साथ ही इस वीडियो में बात करने वाले हैं न्यू एडमिशन और साथ ही हम बात करेंगे लास्ट नॉट द लीस्ट बीएससी के प्रैक्टिकल्स के बारे में। बीएससी के प्रैक्टिकल्स को लेकर भी कई सारी अपडेट्स हैं जो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट जरूर देखें ताकि आपको एक एक अपडेट्स मिल जाए। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें सभी स्टूडेंट के साथ में। और हाँ स्टूडेंट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबा लें ताकि इग्नू से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिलती रहें। तो आइए बात करते हैं एक एक करके सभी अपडेट्स पर। सो पहले नंबर पर बात करते हैं बीएससी प्रैक्टिकल लिस्ट को लेकर। देखिए, यहाँ पे क्लियर कर दूँ, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियसली क्लियर आउट किया था कि इग्नू के प्रैक्टिकल जब भी कंडक्ट किए जाएंगे, आप सभी के रीजनल सेंटर की ओर से गाइडलाइंस इशू कर दी जाएंगी और आप सभी को इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी गाइडलाइंस के माध्यम से और साथ ही ईमेल के माध्यम से। तो यहाँ पर रीजनल सेंटर्स की ओर से आप सभी के लिए जो प्रैक्टिकल लिस्ट है वो रिलीज़ कर दी गई हैं, आप लोग देख पाएंगे, जिसमें पूरी बातें क्लियर आउट हैं। उस सभी पीडीएफ को आप सभी के लिए मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, तो वहां से आप लोग देख पाएंगे। साथ ही आप लोग अपने रीजनल सेंटर की वेबसाइट को भी एक बार ज़रूर से चेक कर लें। सो ये अपडेट बीएससी के प्रैक्टिकल्स के रिगार्डिंग है। और यहां पे क्लियर आउट कर दूं, जो बीएससी जी के स्टूडेंट हैं, चाहे किसी भी सेशन के हों, बिकॉज अगर मैं बात करूँ बीएससी जी की, तो आप सभी का सेशन जुलाई 2019 वाले जितने भी बच्चे हैं, उसके बाद में आप सभी का जनवरी 2020, फिर उसके बाद में जुलाई 2020, उसके बाद में जनवरी 2021, ये चारों ही सेशन के प्रैक्टिकल ड्यू हैं अभी बीएससी जी के। सो स्टूडेंट, आप सभी को मैं ये बात कहना चाहूँगा कि अभी प्रैक्टिकल्स को अभी माइंड में ना लाएं, जितने भी बीएससी जी के स्टूडेंट हैं, अभी आप अपने टर्मेंट एग्जाम और असाइनमेंट फोकस करें, बिकॉज जब भी प्रैक्टिकल्स होंगे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी एडवांस में, तो टेंशन नहीं लेनी, अभी सभी के पेंडिंग है। तो आप लोग इस बात को लेकर टेंशन ना लें कि अभी तक हमारे प्रैक्टिकल नहीं हुए, क्या हमें फेल कर दिया जाएगा या इशू होगा, तो ऐसा कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा। ओके, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। सो स्टूडेंट, जैसे कि यहाँ पे क्लियर आउट कर दूँ, जून 2021 के टर्मेंट एग्ज़ाम जो कि 3 अगस्त से 9 सितंबर तक आपके कंडक्ट किए गए, जो कि फाइनल ईयर और बैकलॉग के स्टूडेंट के एग्ज़ाम कंडक्ट किए गए, साथ ही डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट के जो एग्ज़ाम है वो भी कंडक्ट किए गए। तो यहाँ पर जिन भी बच्चों के एग्ज़ाम हुए थे उनके जो रिज़ल्ट हैं वो अपडेट कर दिए गए हैं। आज भी एक अपडेट देखने को मिली है, तो आप लोग चेक कर पाएंगे, जिस भी बच्चे का रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया था उनके आज भी कई सारे स्टूडेंट के अपडेट हुए हैं। अगर आपका इस अपडेट में भी नहीं आया है तो वेट कर लें थोड़ा सा, आप सभी का नेक्स्ट अपडेट में ज़रूर से देखने को मिल जाएगा, बिकॉज इग्नू में आपका जो रिज़ल्ट है वो टाइम टू टाइम अपडेट्स के माध्यम से रिलीज़ किया जाता है। सो खैर, आप सभी को इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप डायरेक्टली चेक कर पाएंगे। सो आइए स्टूडेंट बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की। सो यहाँ पर असाइनमेंट सबमिशन जो कि आप सभी ने जून 2021 के टर्मेंट एग्जाम के लिए किए थे, उसकी स्टेटस और मार्क्स दोनों ही अपडेट किए जा रहे हैं टाइम टू टाइम। और जिन बच्चों का अपडेट हो चुका है वेल एंड गुड, लेकिन जिनका सक्सेसफुली सबमिट होने के बाद में अभी तक स्टेटस शो नहीं हो रहा, थोड़ा वेट कर लो, जल्दी ही आपको अपडेट देखने को मिल जाएगी, बिकॉज टाइम टू टाइम अपडेट किए जा रहे हैं, आज भी कई सारे स्टूडेंट के अपडेट हुए हैं। सो आइए स्टूडेंट बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। देखिए, दिसंबर 2021 के टर्मेंट एग्ज़ाम, इसको लेकर भी आप सभी को पता है रीजनल सेंटर की ओर से गाइडलाइंस इशू की जा रही हैं, ऑलरेडी मैं अपडेट दे रहा हूँ इस पर। आज भी एक गाइडलाइंस देखने को मिली है RC3 की ओर से, और साथ ही उससे पहले हम RC2 की गाइडलाइंस डिस्कस कर चुके हैं, उससे पहले नोएडा RC ने भी गाइडलाइंस इशू की थी जिस पर हम बात कर चुके हैं। सो यहाँ पे क्लियर आउट कर दूँ सभी स्टूडेंट के लिए, लास्ट डेट जो है अभी 31 अक्टूबर 2021 है, उसको मान के चलिए, उससे पहले आप अपने असाइनमेंट को कंप्लीट कर लें, उससे पहले आप सबमिट कर देंगे, और होपफुली आप सभी के जो गाइडलाइंस हैं वो अक्टूबर में मोस्टली RCs रिलीज कर देंगी, तो आप लोग देख पाएंगे। सो खैर, जिन बच्चों की रीजनल सेंटर ने अभी तक गाइडलाइन इशू नहीं किए हैं वो वेट करो, अपने असाइनमेंट को अच्छे से कंप्लीट कर लो, जैसे ही गाइडलाइन इशू होती हैं आपको इन्फॉर्मेशन चैनल के माध्यम से मिल जाएगी, तब तो आप सबमिट कर पाएंगे। सो खैर, बात करते हैं लास्ट अपडेट के बारे में जो कि है न्यू एडमिशन्स के संदर्भ में। आप सभी को पता है लास्ट जो डेट थी आपकी एडमिशन्स के रिगार्डिंग इग्नू में वो 15 सितंबर 2021 थी, जो कि एक्सटेंड करके 23 सितंबर 2021 कर दी गई है। और यहाँ पे एक क्लियर आउट कर दूँ, जिस भी बच्चे को एडमिशन लेना है वो ले सकता है, अगर कोई डॉक्यूमेंटल इशू है तो आपको फर्दर टाइम दे दिया जाएगा एज़ पर दी UGC गाइडलाइंस, ठीक है, जिसमें क्लियरली मैंशन था इस बार के एग्जामिनेशन को लेकर और इस बार की कंडीशन को लेकर।
उसका भी PDF आप सभी के साथ में मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, तो आप लोग को वो भी PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें और साथ ही यूट्यूब पर भी सपोर्ट करें, यहाँ पर आपको सभी अपडेट्स मिलती रहेंगी। कोई भी क्वायरी है तो कॉल मी फोर ऐप के जरिए पूछ सकते हैं कभी भी, साथ ही इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, DM कर सकते हैं, अपने सवालों को पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, आई होप कि आपको सारी अपडेट्स मिल गई हो। कोई भी क्वायरी है तो आप लोग कभी भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक और अपडेट के साथ में, तब तक ले जय हिंद जय भारत, बाय दोस्तों।